वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बहुत ही करंट अफेयर के रूप में महत्वपूर्ण टॉपिक आज है आरटीआई एक्ट संशोधन 2019। जी हाँ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आरटीआई एक्ट संशोधन ये होता क्या है। जी हाँ, इसे हिंदी में बोलते हैं आरटीआई एक्ट मीन्स सूचना का अधिकार। 2005 में ये अधिकार आपको दिया गया है, जिसे हम आपको दिखा दें। सबसे पहले ये होता क्या है, सूचना का अधिकार है क्या, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इस अधिकार में आपका क्या हनन हुआ, क्या छीना गया, आरटीआई एक्ट में 2019 में क्या बदलाव किया गया। विकिपीडिया से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 15 जून 2005 को इसे अधिनियम किया गया और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। सूचना का अधिकार अर्थात राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई मीन्स होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार का तात्पर्य है सूचना पाने का अधिकार, जो सूचना अधिकार कानून लागू करने वाले राष्ट्र अपने नागरिकों को प्रदान करता है। सूचना अधिकार के द्वारा राष्ट्र अपने नागरिकों को अपनी कार्य और शासन प्रणाली को सार्वजनिक करता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन अब ऐसा कतई नहीं होगा। अब सरकार अपनी कार्य प्रणाली को सार्वजनिक कतई नहीं करेगी, यही बदलाव तो हुआ है। हमारे साथ बने रहिएगा, पूरे 10 मिनट हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। क्या बदला आरटीआई एक्ट में, ये आपके करंट अफेयर में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपके एग्जाम में जरूर आएगा। लोकतंत्र में देश की जनता अपनी चुनी हुई व्यक्ति को शासन करने का अवसर प्रदान करती है और यह अपेक्षा करती है कि सरकार पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठता के साथ अपने दायित्वों का पालन करेगी। लेकिन कालांतर में यानी कि बीते हुए समय में अधिकांश राष्ट्रों ने अपने दायित्वों का गला घोटते हुए पारदर्शिता और ईमानदारी की बोटियाँ नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कीर्तिमान कायम करने को एक भी मौका अपने हाथ से गंवाना नहीं भूले। भ्रष्टाचार के इन कीर्तिमानों को स्थापित करने के लिए हर वो कार्य किया जो जन विरोधी और अलोकतांत्रिक है। जी हाँ बिल्कुल, कुछ ऐसे ही कार्य आज की तारीख में इसमें भी किया गया है। सरकारें यह भूल जाती हैं कि जनता ने उन्हें चुना है और जनता ही देश की असली मालिक है एवं सरकार उनकी चुनी हुई नौकर। इसलिए मालिक होने के नाते जनता को यह जानने का पूरा अधिकार था कि जो सरकार उनकी सेवा में है वह क्या कर रही है। लेकिन अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो आरटीआई है अब ये सरकार के दबाव में रहेगी। मतलब कि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल और उनकी सैलरी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी, तो ऐसी स्थिति में वो केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई सूचना कतई नहीं देंगे। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने। अब ज़्यादा जानकारी इसके बारे में ना देते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, क्या बदला है और क्या क्या नहीं बदला है ये सब आप लोग देखिएगा। चलिए आपका परिचय करवाते हैं कि आरटीआई एक्ट संशोधन 2019 में क्या क्या बदला। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरटीआई एक्ट संशोधन 2019 में सेक्शन 13 और सेक्शन 16 बदल दिए गए हैं। पहले क्या था सेक्शन 13 में और अब क्या हुआ है ये आप देख लीजिएगा। पहले और अब, जी हाँ दोनों आपके सामने हैं। ये पहले का है, ये अब का है। पहले जिक्र था ऐसा 2005 में दिए गए आरटीआई एक्ट में कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा या फिर उनकी आयु 65 वर्ष तक पूरी होने तक उनका कार्यकाल रहेगा। इसके बीच में उनको कोई भी किसी भी प्रकार से हटा नहीं सकता उनके पद से, ये था। और उनकी जो सैलरी है वो मुख्य सूचना आयुक्त की जो सैलरी है और सूचना आयुक्त की सैलरी वो मुख्य निर्वाचन आयोग के बराबर होगी। मतलब मुख्य सूचना आयोग की सैलरी मुख्य निर्वाचन आयोग के बराबर होगी। यहाँ तक कि इनको ये भी माना जाता था कि जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं इनका दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर था। लेकिन अब 2019 में क्या हुआ इसको भी देख लीजिएगा। 2019 में नए आरटीआई एक्ट संशोधन के मुताबिक अब ये कार्यकाल केंद्र सरकार तय करेगी। मतलब केंद्र सरकार जब चाहेगी तब उनको हटाएगी और जितना कार्यकाल चाहेगी उतना करेगी, अब ये केंद्र सरकार के हाथ में रहेगा। दूसरा नंबर, सैलरी अब उनकी केंद्र सरकार तय करेगी। मतलब कि वर्तमान में बीजेपी सरकार अब उनकी सैलरी और कार्यकाल तय करेगी। अब प्रश्न यहाँ पर ये उठता है, देखिए किसी की भी सरकार हो, यहाँ पर किसी विशेष सरकार की नहीं, वर्तमान में जो है उसकी बात हम बता रहे हैं। कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, ये आरटीआई जो है अब उस सरकार के अंदर काम करेगा। हमारा क्या नुकसान होगा इससे ये भी देख लीजिएगा। और पहले क्या था और अब क्या हुआ, वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको पूरा समझ में आए। पहले आप सभी सरकारी रिकॉर्ड देख सकते थे,
आपके द्वारा मांगी गई सूचना 30 दिन के अंदर में आपको मिलती थी। जवाब ना दे पाने पर उस विभाग पर 250 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना लगता था और वो जुर्माने की राशि आपको दी जाती थी। सूचना आयुक्त उस अधिकारी को, उस विभाग को आदेश देता था कि आपके विभाग से या आपके कार्यक्षेत्र से ये जानकारी जनता ने मांगा है, इसे आप उपलब्ध करवाइए और जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवाइए। और वो अधिकारी या वो जो भी विभाग होता था वो मजबूरी में या किसी भी प्रकार से चाहे जैसे भी करके वो अपनी सारी सूचनाएं उपलब्ध करवाता था। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए, प्रयागराज से लेकर के बनारस तक PWD के द्वारा रोड बनाया गया, मतलब हाईवे बनाया गया। अब वो हाईवे जो कि बनाया गया है इलाहाबाद से लेकर बनारस तक, मानते हैं कि 100 किलोमीटर में बनाया गया है। अब 100 किलोमीटर में 3-4 ठेकेदार ने मिलकर के काम किया होगा, जो भी जैसे भी रहा होगा। अब वो हाईवे हम मानते हैं कि वो 6 महीने के अंदर उखड़ पुखड़ गया, ख़त्म हो गया। तो ऐसी स्थिति में जनता हिसाब लेना चाहेगी कि आखिर ये हाईवे जो PWD ने बनवाया हुआ था ये इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया, इसमें कितना खर्चा लगा और क्या क्या हुआ, ये सारी जानकारी जनता चाहती थी। तो जनता इसको RTI एक्ट के अंतर्गत प्राप्त कर सकती थी, जा करके RTI दायर करके वो पा सकती थी सूचना कि 100 किलोमीटर की दूरी में 500 करोड़ का लागत लगी है और कितने दिन का समय लगा है, क्या क्या लगा, सब कुछ आपको सूचना में मिल जाता। लेकिन अब क्या होगा, अगर जो कार्य हुआ है यानी कि PWD के जो अधिकारी हैं उसमें जो भी संलग्न हैं, अगर वो सरकार के पक्ष से आते हैं, मतलब कि केंद्र सरकार के पक्ष से आते हैं और उन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, तो केंद्र सरकार चाहेगी तो उनका बचाव कर ले जाएगी और वो सूचना गलत तरीके से या फिर उनको सूचना नहीं देगी या कुछ भी करेगी, चाहे जैसे भी करेगी, क्योंकि जो RTI है अब केंद्र सरकार के हाथ में होगा। यही अंतर हुआ है, अब आप समझ गए होंगे। सूचना आयुक्त सरकारी दबाव से मुक्त होते थे पहले, उनकी सैलरी केंद्र सरकार के हाथ में नहीं होती थी। 5 वर्ष तक उन्हें उनके कोई कार्यकाल से कोई भी नहीं हटा सकता था, लेकिन अब उन्हें केंद्र सरकार हटा सकेगी। मुख्य सूचना आयुक्त को सुप्रीम कोर्ट के बराबर का दर्जा प्राप्त था, अब सरकार के हाथ में है, यानी कि वर्तमान सरकार माननीय मोदी जी के हाथ में RTI होगा। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने आपको ये वीडियो दिखाया। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो इसे कमेंट अवश्य करिएगा। भ्रष्टाचार का एक नया नमूना हम आपको दिखाते हैं अपने यहाँ का, जिसको मैंने खुद रिकॉर्ड किया है। जी हाँ, बिल्कुल, 7 सवारियाँ ढोने वाली वो ऑटो जिस पर 14 से 18 सवारियाँ ढोई जाती हैं, और वहाँ के जो ड्राइवर हैं, यहाँ के ड्राइवर क्या कहते हैं इसको हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप देख लीजिए, अपने आँखों से देखिए, इस दृश्य को देखिए। जी हाँ, आप इसमें देख पा रहे होंगे, ड्राइवर साहब की जो सीट है उस पर 4 लोग बैठे हुए हैं। अभी चारों आपको नहीं नज़र आ रहे हैं, अभी चारों आपको दिखेंगे। ड्राइवर साहब की सीट पर 4 लोग बैठे हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ऑटो में सीट कितनी बड़ी की होती है, ऑटो में सीट कितनी बड़ी होती है जब ड्राइवर के सीट पर, देख सकते हैं आप, गिन सकते हैं, 4 लोग बैठे हैं तो ड्राइवर कहाँ बैठा है। ये क्यों होता है, हमने इन ड्राइवरों में से बात किया, लेकिन हमारी एक कमी है कि हमने इनका जो फीडबैक था रिकॉर्ड नहीं कर सका। ये बताते हैं कि जो RTO हैं वहाँ के, जो ये इनकी चेकिंग जिनको करनी चाहिए, जहाँ पर ये 2000 रुपये से लेकर के 3-4 हज़ार रुपये प्रति महीने घूस देते हैं कि हम आपको 2000 प्रति महीने देंगे तो 7 की जगह 14 सवारी ढोएंगे, आप कभी पकड़िएगा मुझे मत। और अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो ये RTO विभाग इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है, ये खबर किसी से छुपी नहीं हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बैठने वाले हैं ये बेवकूफ़ हैं, ये बैठे क्यों हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, मरता तो क्या ना करता, सुना है कि नहीं। जितने भी ऑटो हैं, जब तक वो 15 से 18 सवारी नहीं बैठा लेंगे तब तक वो जाएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, इस पर नहीं बैठेंगे उस पर बैठेंगे, उस पर नहीं बैठेंगे तो उस पर बैठेंगे, ये सीधी सी बात है। ये नमूना आप देख रहे हैं सुल्तानपुर के मुख्यालय यानी कि मुख्य पुलिस लाइन से सटा हुआ जो रोड है, हलियापुर कुड़वार रोड को जोड़ता है, ये उस रोड का नमूना है जिसमें आप अभी ओवरब्रिज को भी देखेंगे, रेलवे का ओवरब्रिज जो कि नया नया बना हुआ है। तो ये नमूना खुद हमारे द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, ये कोई फर्जी या कोई बनाया हुआ नहीं है। और ऐसा एक बार नहीं, वहाँ जाने के बाद एक बार बहुत काफ़ी सोचना पड़ता है, लेकिन वही जो हमने आपको बताया कि मरता मरता तो क्या ना करता है ना।
तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं तो करेंगे क्या? इसमें जो जनता बैठी है वो बेवकूफ़ नहीं है। आप बाहर से अंदर तक देख सकते हैं कितने लोग इसमें भरे हुए हैं, अंदर से बाहर तक। अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर एक बार मौतें इसमें होती हैं, उसके बाद सरकार की आंखें खुलेंगी, सरकार कार्रवाई करेगी, सब कुछ होगा, आप खुद गिन सकते हैं। ये नमूना हम आपको एक नए वीडियो में भी दिखाएंगे, लेकिन हमने इसमें इसलिए दिखा दिया कि आप करंट अफेयर के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे। तो अपने विचारों को अवश्य कमेंट करिएगा। ये आपका वर्तमान भारत है, कहाँ जा रहा है ज़रा सोचिएगा। ये है नया रेलवे का ब्रिज जो बना हुआ है अभी अभी सुल्तानपुर में, आप इसमें देख पा रहे हैं। ये वहाँ से सवारी गुजर रही है जो कि चार आगे ड्राइवर को छोड़ करके, चार बीच में 8 और 6 पीछे 14, यानी कि 7 सवारी जो मान्य है इस छोटी सी ऑटो में, उस पर 14 सवारियाँ बैठती हैं। तो भाई अब आगे क्या होगा इसका राम ही मालिक है। और आगे ये क्या लिखवाते हैं गाड़ी में, मौत की गोद में बैठकर रोटी कमाने वाले, खुदा सलामत रखे तुझे ऐ गाड़ी चलाने वाले। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट इनसे वसूली करता है, ये मैं पूरे गारंटी के साथ बोलता हूँ। हमारे पास प्रूफ तो नहीं है, लेकिन ये ड्राइवर खुद ही प्रूफ हैं। अगर आप कहेंगे तो हम प्रूफ भी आपको दिखा सकते हैं, ड्राइवर का फीडबैक रिकॉर्ड करके सुना सकते हैं कहीं ना कहीं से। जी हाँ बिल्कुल। और अगर ऐसा नहीं है, हमारी बातों में झूठा है, सच्चाई नहीं है, तो ऐसा हो क्यों रहा है? और ये आज से नहीं हो रहा है, ये पिछले कई दशकों से हो रहा है मेरे भाई, ये 5 साल 6 साल पहले से हो रहा है। कोई वर्तमान सरकार या किसी विशेष सरकार की बात नहीं है, लेकिन इस पर सरकार कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती है? एक ही जगह की बात नहीं है, कहीं भी आप देखेंगे गांव देश की हालचाल, यहाँ तक कि शहरों में होता है, लेकिन शहरों में कम होता है, बट गांव साइड में ये खूब धड़ल्ले से चलता है। अगर यहाँ पर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो ड्राइवर इसमें लिपट करके बैठा हुआ है आगे, उसको बैठने की सीट नहीं है, अगर इसके साथ कुछ गड़बड़ होता है तो ये सवारियों की ज़िंदगी कहाँ जाएगी? हाँ बिल्कुल, इसमें हम भी हैं, ये मत सोचिएगा, ये हमने किसी से बनवाया नहीं, इस वीडियो को हमने खुद बनाया हुआ है और मजबूरी में बैठना पड़ता है लोगों को। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को। आपसे हमारी रिक्वेस्ट होगी, इस वीडियो को दोस्तों को अवश्य शेयर करिएगा। ये 7 की जगह जो 14 ढोया जा रहा है, इस पर कुछ ना कुछ हो। इस वीडियो को हम आपको अलग से देंगे, इसे वायरल अवश्य करिएगा, जिससे कि वर्तमान सरकार की आंखों में ये वीडियो जाके पड़े और उन्हें दिखाई पड़े कि जनता क्या झेल रही है। जो AC लगी हुई कार और लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको वोट देने वाली जनता किस तरह से भूसे की तरह भर कर इसमें जाती है।